तो जगत गुरु त्रिपुरेश्वरी सुंदरी पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरि ओम जी महाराज ले रहे हैं इस छोटी सी कन्या से आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? एंजल। तो एंजल ने खुद चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट को आशीर्वाद दिया है, कैथल में जन कल्याण के लिए एकादश कुंडीय महायज्ञ चल रहा है जिसे कराने के लिए स्वयं आए हैं त्रिपुरेश्वरी सुंदरी के पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज। इनसे जानेंगे कि इस यज्ञ की आम जनता के लिए क्या महत्वता है और 6 अप्रैल तक चलने वाले इस यज्ञ में आपके आहुति डालने से आपको क्या फल मिलेगा। नमस्कार जी। तपस्वी यशस्वी भव। आपके माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचे, ये बहुत बड़ा एक धर्म कार्य है। जन कल्याण के लिए ये महायज्ञ हो रही है, शिव शक्ति महायज्ञ। हमारा 108 महायज्ञों का संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में है, जिसमें 101 हम कर चुके हैं। वो 101 करने के बाद इस तरह की जो छोटी छोटी यज्ञ हो रही हैं, 11 कुंडी, 9 कुंडी, 21 कुंडी, वो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करना चाहता हूँ कि घर घर तक ये संदेश पहुँच जाए कि यज्ञ ही जीवन है। क्योंकि अगर वातावरण नहीं शुद्ध होगा तो मॉर्निंग वॉक बंद हो जाएगा, वातावरण नहीं शुद्ध होगा तो अपने आप कोरोना आएगा, तो सब अपने अपने घरों में पैक हो जाएंगे और घर में भी नहीं बच पाएंगे, घर में भी नहीं बच पाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले ग्लोबल वार्मिंग बराबर पूरा विश्व चिल्ला रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसने उस बात को समझा, राजा में भगवान का अंश पाया जाता है, उसने समझा, उसने अपने मन की बात में बोला कि कहीं भी यज्ञ हो रही हो तो वातावरण शुद्धि के लिए सभी लोग जाएं, आहुति डालें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो भारत दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में है। और ये मीडिया सर्वे है कि दिल्ली की आयु 11 वर्ष कम हो चुकी है, ये मीडिया सर्वे है सर, एवरेज एज कम हो गई है 11 जो भी है, और हरियाणा की भी देख लेना। क्यों? क्योंकि वातावरण पूरी तरीके से प्रदूषित होता जा रहा है। माताएं हमारे चूल्हे पे भोजन बनाती थी, धुआं उठता था, उससे वातावरण शुद्ध होता था, मच्छर मरते थे, वो बंद हो गया। धूमनी दी जाती थी गांव में, धीरे धीरे वो भी बंद कर दी गई। प्रदूषण बढ़ता चला गया, गाड़ियों का धुआं बढ़ता चला गया और गैस पर भोजन हो गया, तो निश्चित रूप से आयु अपने आप कम होती चली जाएगी। यज्ञ अगर नहीं हुआ तो महाप्रलय के लिए सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि वातावरण जब तक संतुलित नहीं होगा, जिसे पीछे अभी 22 प्रदेश जलमग्न थे जी, 22 प्रदेश बाढ़ से प्रभावित थे, 8 जलमग्न थे, 4 बहने की स्थिति में आ गए थे जी। दिल्ली उल्ली बहने की स्थिति में आ चुके थे। तो इन सब कार्यों को देखते हुए विशेष रूप से अपने अपने घरों पर यज्ञ करें। इस उद्देश्य से कैथल में ब्राह्मण धर्मशाला में जो यज्ञ की जा रही है, श्रीमान अशोक गोयल जी थे और यहाँ के कुछ और लोग थे, चेतन जी थे और कमेटी के और बहुत सारे लोग थे, यमी साहब, विक्की, इस तरह के कई लोग थे। मिल करके इनको समझ में आया कि हमें कैथल में यज्ञ करना चाहिए। इस तरह का हम कोई ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी किए थे, पहले कभी किए थे नहीं, अब आप करते रहिए जी, ये मैसेज देने के लिए, ये मैसेज देना है कि बाप अपने घरों पर करते रहिए, हफ्ते में करिए, रोज करिए, नहीं कर सकते तीसरे दिन करिए, तीसरे दिन नहीं कर सकते हफ्ते में करिए, तभी वातावरण शुद्ध रह पाएगा और तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और नहीं तो दूसरा कोई कोरोना आएगा और सामने से ऐसे लोग जाते रहेंगे, आप उनको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। गुरु जी, महायज्ञ के साथ साथ महाआरती भी रोज हो रही है, मैं भी उसका हिस्सा बन रहा हूँ, उसका क्या महत्व है? महाआरती आरती से कैसे भिन्न है? 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। मैं त्रिपुर सुंदरी का साधक हूँ और उनकी बड़ी कृपा है, तो जाता हूँ, थोड़ी देर आरती स्तुति करता हूँ, वो मेरा व्यसन है, एक नशा है। और आरती में सभी लोग पधारें, उसका पुण्यलाभ भी अर्जित करें।
क्योंकि योग संयोग सुयोग से जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो निश्चित रूप से प्रकृति द्वारा आयोजित होता है, व्यक्ति के द्वारा नहीं आयोजित होता है। बाकी मैं जानता हूँ सब अपने अपने डेरों पर कोई न कोई आयोजन करते रहते हैं, कुछ कथा कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे कि इस बहाने यजमान हमारा मुख्य उद्देश्य यजमान इकट्ठा करना नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि घर घर तक यज्ञ जाए। इसलिए धूमियाँ चलाई जा रही हैं, गाड़ियों के साथ में धूमियाँ चलाई जा रही हैं, जिससे कैथल में अधिक से अधिक जितना लाभ हो सके नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को मिलना चाहिए, जिससे उनके बच्चे सुरक्षित हों, वो भी सुरक्षित हों और हमारा प्रदेश सुरक्षित हो। इस भाव के साथ ये यज्ञ की जा रही है, इसमें सभी लोगों को आना चाहिए जी, और आ करके उसका अपना लाभ अर्जित कर लेना चाहिए। क्योंकि जब जन कल्याण के लिए कोई यज्ञ हो रही हो तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा अधिक होती है और उसमें अवश्य सम्मिलित होने का काम किया करें। जगत गुरु जी, आप त्रिपुरा में वन्य उसमें रहकर एनवायरनमेंट में रहकर तपस्या करते हैं, मैंने सुना है वन में रहते हैं आप, वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के पर्यावरण में, यहाँ के पर्यावरण में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? क्या आपको लगा कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है या वातावरण बिगड़ चुका है? मैं त्रिपुरा पीठाधीश्वर हूँ, त्रिपुर सुंदरी का साधक हूँ, रहता हूँ उत्तराखंड मणिकूट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। मणिकूट पर्वत है, हिमालय का वो है कैसा पर्वत है जिसकी परिक्रमा होती है हर वर्ष, तो वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं रहता वहाँ हूँ जी। वहाँ से यहाँ मैं अभी जैसे इसके बाद में चला जाऊँगा इधर बॉर्डर पे, पौड़ी के बॉर्डर पे 27 से 4 जून यज्ञ है वो। यहाँ का क्लाइमेट, वहाँ क्लाइमेट, जब कोरोना आपके यहाँ आया तो हम लोग वहीं जंगल में थे, 50 लोग थे हमारी ख्याल से। उसके बाद अब तो इनको बुखार भी आता है जी। अब तो इनको शायद खांसी भी आती होगी, दवा भी ले जाते होंगे, लेकिन उस पीरियड में कोई लड़का कह नहीं सकता है कि कभी एक टेबलेट खाना पड़ा हो किसी को। ये वातावरण का अंतर होता है और आपका वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। आप सिर्फ केवल अति के स्वार्थ में पागल हैं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी कोठी, हाय मेरा बिजनेस, आपको दूरदर्शिता दिखाई ही नहीं दे रही है, दूरदर्शी हो ही नहीं पा रहे हैं आप कि अरे ये सब तो तब रहेगा जब हम रहेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो इसका क्या करेंगे जी। आप बच्चों को सुबह मॉर्निंग वॉक पर ले जाते हैं, बिल्कुल करना चाहिए मॉर्निंग वॉक, लेकिन मॉर्निंग वॉक तो तब करेंगे जब वातावरण शुद्ध होगा जी। वातावरण ही नहीं शुद्ध होगा तो मॉर्निंग वॉक करने कहाँ निकलेंगे आप जी। आपको कुरुक्षेत्र की भूमि पर जगत गुरु की उपाधि दी गई थी कि जो हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकने के लिए, जब से आप जगत गुरु बने हैं उसके बाद कितनी सक्सेस आप बना पाए हैं इस धर्मांतरण को रोकने में, संदेश को पूरे समाज में देने के लिए? हमारे साथ अभी आप कभी इंसार मंदिर की तरफ चले जाइएगा, हमारे यहाँ मुसलमान भी आए, हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी आए। आप कभी जंगल आइएगा, वहाँ आपको जहाँ हम बैठते थे, जहाँ साधना करते थे, वहाँ एक निशान क्रॉस मिलेगा क्रिश्चियन का और बाकी अल्लाह का भी नाम लिखा मिलेगा और पीछे सनातन मिलेगा, उसी जाली में बना हुआ है। कभी आइएगा जी। मैं सिर्फ मानव मानवता मानता हूँ और बोलना इसलिए पड़ता है कि हमारा जो सनातन है यही सत्य है, पूरा विश्व सनातन है जी। कोई सनातन पूरा विश्व है, क्यों? क्योंकि 5 तत्व से शरीर बनती, यही 5ों सनातन है और उसमें तो पूरा विश्व रहता है, धरती पे ही रहता है, आकाश के नीचे ही रहता है, हवा लेता है, जल पीता है, अग्नि है ही जी, तो पूरा विश्व सनातन है। ये तो पंथ हो गए, बाद में मुसलमान पैदा हो गए, क्रिश्चियन पैदा हो गए, ये पैदा हो गए, तो मजहब वजहब भी सब बना लिए अपना, तो पूरा विश्व सनातन है। हम क्या कहते हैं अपने माता पिता को, प्रणाम करो, हवन करो, सुरक्षित रहोगे, मंत्र पढ़ो, मन के तंत्र को जो शुद्ध कर दो, मंत्र है, मन में शांति चाहिए, मन के तंत्र को शुद्ध कर लो जी। कहाँ किसी को बताया गया? सनातन कोई चेहरा नहीं है, सनातन कोई चेहरा नहीं है। 108 महायज्ञों के संकल्प पूरा होने के बाद क्या नया संकल्प लेंगे? 108 महायज्ञ संकल्प पूर्ण हो गया तो उसके बाद फिर अज्ञात बस
तो देखा आपने कि जहाँ एक तरफ हिंदू धर्म को और यज्ञ को ये कहा जाता है कि हम लोग ऐसे ही यज्ञ करते हैं, वहीं दूसरी ओर जगत गुरु त्रिपुरेश्वरी सुंदरी पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरि ओम जी महाराज ना केवल धर्म की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में या सनातन में कितनी सुपर इंटेलिजेंस रही होगी। कैसी लगी आपको ये खास पेशकश बताइएगा ज़रूर। और सर्व ब्राह्मण धर्मशाला में चल रहे जन कल्याण महायज्ञ में आहुति डालने के लिए आइएगा ज़रूर। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।